अरे सब बड़ी पिड़ू को साफ दिख रहा है। छोटी तुम जल्दी से गाड़ी रिपेयर करो, यहाँ से चलते हैं। अरे गड्डी तो मैं रिपेयर कर दूँ, पर चाबी तो मिले। मतलब ये कि जब ये पिड़ू बोला ना साफ साफ, और तो मैं उधर भागा साफ की तरफ, और ये साफ भागे मेरी तरफ, और ठक करके हमारी जब टक्कर हुई तो चाबी उसी चक्कर में गिर गई। ठीक है, ये तो बिल्ला है। अरे क्या कर रहे हो, इस बिल्ले को किचन समझ रहे हो, हद कर रहे हो तुम यार। कल नंबर चेक करा ली। नहीं दिखाई दे रही है। अरे भाई छोटी है, चाबी तो नहीं मिल रही है। हाँ दूर है, फंसे। अरे इससे ज्यादा क्या कोई बुरा फंस सकता है भाई, इतनी रात है, सुनसान सड़क है, हमारे फोन हमारे पास है नहीं, गाड़ी है लेकिन गाड़ी की चाबी नहीं है, जाने को कोई वाहन नहीं है, इन भाई साहब को बीच में ट्यूब सांप नजर आता है, बिल्ला जो है वो किचन नजर आता है। मैं इसीलिए नहीं आ रहा था। और जेठालाल तुम कह रहे थे मैं अंजलि से डरता हूँ, अरे डरने वाली बात नहीं है, ये सब भैया भाई की वजह से हुआ। जेठालाल मैंने क्या किया? आप छींके ना, हम निकल रहे थे तभी आप छींके ना, अब से कौन करवाया? जेठालाल तुम भैया को बीच में मत लाओ। क्या होता है छींक भी कैसा अंधविश्वास है? थैंक यू भाई दादा। क्या थैंक यू, किस बात का थैंक यू भाई? आपने मेरा साइड लिया इसलिए। अरे छोड़ो ना भाई ये फॉर्मेलिटी, थैंक यू अंग्रेज चले गए हमारी छाती पे छोड़ के, थैंक यू सॉरी, आधी रात को भी जंगल में बोल रहे थैंक यू। ओ मेहता साहब, ओ तुसी बिल्कुल भी चिंता ना करो, ओ मैं बिना चाबी के भी गड्डी खोल दूंगा। अच्छा है? तो फिर लोग चाबी क्यों ढूंढ रहे थे? अरे भाई ओ बिना चाबी के जब गड्डी खोलते हैं ना तो गड्डी को थोड़ा नुकसान भी हो जाता है, मेरे दोस्त की गड्डी है, उसकी गड्डी को नुकसान थोड़ी ना करूंगा। अरे तो ये स्कूटर वाले को कहां गाड़ी का सब समझा रहा है भाई, तू फटाफट गाड़ी का दरवाजा खोल और गाड़ी रिपेयर कर छोटे। हां ये दरवाजा अभी कर देता हूं। जेठालाल क्या बोल रहे थे वहां पे, स्कूटर वाले को क्या समझा रहा है गाड़ी के बारे में? एक दिन गाड़ी लेके दिखाऊंगा भाड़े से। नहीं, एक दिन बोला ना इसलिए पूछे। एक दिन बोला जेठालाल, एक दिन के लिए ऐसे नहीं बोला। अच्छा, जब भी गाड़ी लेगा ना, लोन अगर चाहिए तो बोलना, अपना उधर का वो बैंक मैनेजर पहचान वाला है, कम ब्याज में करा दूंगा लोन। काई जरूरत नहीं है, पूरा पैसा देके गाड़ी लूंगा। ये भाई पूरा पैसा हो तो भी गाड़ी लोन से ही लेना चाहिए, टैक्स में फायदा होता है। मैं क्या कहता हूँ, एक काम करते ना, ये गाड़ी ठीक होगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा, उतने में कोई गाड़ी रोक के लिफ्ट लेके मैं सोसाइटी में चला जाता हूँ, क्योंकि क्या है अंजलि चिंता कर रही होगी, और अंजलि की बात नहीं है, सोसाइटी में क्या सारे लोग चिंता कर रहे होंगे, तो हमें से अगर कोई जाके उन्हें बता देगा कि भाई हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं, तो उनकी चिंता दूर हो जाएगी, है ना? आप लोग उसके बाद जब भी गाड़ी ठीक हो आराम से आ जाना। हाँ फिर तो आराम से ढाबे पे खाना खा के भी जा सकते हैं। हाँ ढाबे पे भी जाना है ना? हाँ तो भिड़े एक काम करो ना, तुम चले जाओ ना सोसाइटी। हाँ वैसे भी माधुरी चिंता कर रही होगी, मैं जाता हूँ, बस गाड़ी मिलनी चाहिए अभी फटाफट। गाड़ी अगर कोई आ जाए तो अरे क्या जमाना आ गया है। अरे हमारे जमाने में इंसान इंसान की मदद करने के लिए क्या नहीं करता था, और यहाँ पे शादी एक लिफ्ट नहीं दे रहा है कोई। ये सब भैया भाई की वजह से हुआ है? मैंने क्या किया? ये आपकी पर्सनालिटी ऐसी अभावशाली है ना, उम्र मतलब प्रभावशाली है ना, आपको देख के डर गया, खड़ा नहीं रहा, भाग गया। जेठालाल तब समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, अभी इतनी सुनसान सड़क पर चार पांच लोग ऐसे खड़े रहेंगे तो कोई भी समझेगा कि चोर और लुटेरे खड़े। अली तेज